नाम से जानता है, ऐसे हमारे योगेंद्र उपाध्याय जी हमारे समाज की नाक, उनका जोरदार तालियों से स्वागत करें और वो मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे बीच में आगरा के भागीरथ, हम सबके मार्गदर्शक, जिनके नेतृत्व में आगरा का विप्र समाज निरंतर नई नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है, ऐसे मेरे परम पूज्य आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे भाई, बड़े भाई शिवशंकर शर्मा जी से वे आए और उनका स्वागत करें। हमारी बड़ी बहन निर्मला दीक्षित जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, तो मैं चाहूंगा कि पंकजा पाठक जी और करूंगा कि वे भगवान परशुराम जी हमारे आराध्य हैं, उनको माला पहनाकर उनका बंधन। पार्टी भारतीय जनता पार्टी अंकल मैं देवेश शुक्ला जी से और ध्रुव पाराशर जी से निवेदन करूंगा कि हमारे और डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी आए और उनका स्वागत करें। हमारे बीच में कुछ लोग पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं, ऐसे हमारे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे तो इनका भी भारतीय जनता पार्टी परिवार में स्वागत है। हमारे बीच में मदन मोहन शर्मा जी, ये भी समाजवादी पार्टी को छोड़कर आगरा के भागीरथ जोरदार तालियों से उनका स्वागत। आज कुर्मा बढ़ता ही जा रहा है और इस सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे माननीय शिवशंकर शर्मा जी, हम सबके प्रदेश के नेता, वरिष्ठ आईएएस रहे और उत्तर प्रदेश सरकार में प्रमुख मंत्री के रूप में हमें दिशा निर्देश कर रहे हैं, हमारा नेतृत्व कर रहे हैं और आगरा के प्रभारी भी हैं इस चुनाव में, ऐसे माननीय के शर्मा जी। प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे ओजस्वी वक्ता जिनको अभी आपने सुना, ब्रज बहादुर जी, निर्मला दीक्षित जी, अरुण पाराशर जी, पंडित कैलाश शर्मा जी, पालीवाल जी, युवा मोर्चा के अध्यक्ष शैलू भाई, पवन समारिया जी, उपस्थित सभी विप्र बंधुओं, मातृशक्ति। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था कि 1,25,000 से एक लड़ाऊं तब गुरु गोविंद सिंह कहा, वो शक्ति का युग था। आज का युग लोकतंत्र का युग है और ब्राह्मण के पास वो ताकत है कि 1,25,000 का मानस बदल सकता है, ऐसे ब्राह्मण समाज की अपनी ताकत है। और यहां इतने विप्र बंधु बैठे हैं,
सवा लाख से गुणा कर दिया जाए तो इतिहास बदल जाएगा। और इतिहास भी हम लोगों ने बदला है, हमारा अतीत बताता है। जब जब ब्राह्मण समाज ने करवट ली है, सत्ताएं बदली हैं, हम बेड़ा पार करना भी जानते हैं तो किसी का बंटा ठार करना भी जानते हैं। तो आज क्या आवश्यकता पड़ गई कि हम सब लोग एकत्रित हुए हैं, क्योंकि अपना बोध हमको हो जाए। हमारा नेतृत्व आया है लखनऊ से हमको दिशा निर्देश देने, हमें अपने अतीत से परिचित कराने, अपनी शक्ति का एहसास कराने। जैसे जामवंत जी ने हनुमान जी को कराया था, चलिए बात मत करो भैया, सुनिए जो बैठे भाई सर, शांत हो रही है आप यहां बैठे हैं, रही है इसको बुझाकर इसको चलाया क्यों? बोले मैं सरकारी काम कर रहा था, ये सरकारी लालटेन थी, सरकार का तेल फूक रहा था, अब मैं व्यक्तिगत बात कर रहा हूं, व्यक्तिगत लालटेन जलाऊंगा, व्यक्तिगत तेल फूकूंगा। यह चरित्र है ब्राह्मण का। तो रैन साहब लिखता है कि जिस देश का महामंत्री, जिस राष्ट्र का महामंत्री इतने विशाल सोच का है, उसे कोई पराजित नहीं कर सकता, वह राष्ट्र भी पराभूत हो नहीं सकता। तो ब्राह्मण के चरित्र को फैंसांग भी सलाम करता है, सैल्यूट करता है, नमन करता है। ये हमारा चरित्र है। राष्ट्र निर्माण करते हैं हम, एक दिशा देते हैं, और जब दिशा दी है तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के रूप में भी, चाहे वो श्यामा प्रसाद मुखोपाध्याय जी हो जिनको हम मुखर्जी कहते हैं, चाहे दीनदयाल उपाध्याय जी हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो, चाहे माधव प्रसाद त्रिपाठी हो, हमेशा समाज को नेतृत्व दिया है तो ब्राह्मण समाज ने दिया है, एक दिशा दी है, दशा को सुधारा है। हम उस समाज के अंश हैं, हम उस समाज के वंश हैं। तो आज हम क्यों पड़ जाए इस चक्कर में जो राष्ट्र का निर्माण का एक महायज्ञ चल रहा है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में, उस महायज्ञ में आहुति देने से वंचित क्यों रहे, यह प्रश्न है। आज पार्षद का चुनाव कोई सर कह देता होगा छोटा चुनाव है, इससे सत्ताएं नहीं बदलती, हम अपने हिसाब से वोट दे सकते हैं। सत्ताएं नहीं बदलती, व्यवस्थाएं तो बदलती है, और व्यवस्था बदलता है चाणक्य, और व्यवस्था बदलता है ब्राह्मण। हम संत प्रवृत्ति के हैं, संत समाज की अगुवाई करते हैं, संत शक्ति के प्रतीक हैं, और इतिहास इस बात का गवाह है, जब जब सत्ता संतों से टकराई है, सत्ता ने मुंह भी खाई। तो इस समाज से कोई टकरा नहीं सकता, कोई सत्ता चाहे जितनी भी बड़ी हो, हम सत्ता बनाते हैं, सत्ता बनाना हमारा काम है, क्योंकि व्यवस्था सुधारते हैं। अरे इतना साहस सिर्फ परशुराम जी ही कर सकते हैं, जब वो धनुष टूटता है और वो आते हैं वहां पर, सैकड़ों राजा थे वहां आए हुए, और कोई राजा कम से कम 500 लोगों को लेकर अपनी सेना को लेकर से कम नहीं आया होगा वहां, और वो कहते हैं सो बिलगाओ बिहाई समाजा, ना तो मारे चाहिए सब राजा। अकेले परशुराम उसे रख कर दो जिसने धनुष तोड़ा है, वरना सब राजा मारे जाएंगे। इतनी बड़ी चुनौती एक ब्राह्मण दे सकता है, क्योंकि नैतिक बल होता है उसके पास। तो जब हम इतने समाज के लिए इतना लड़ने की ताकत रखते हैं, इतना नैतिक साहस रखते हैं, हम इतना पौरुष रखते हैं, हम इतना मानसिक बल रखते हैं, तो हमको दिशा भी सही देनी चाहिए। यही अनुरोध करना चाहता हूं आप लोगों से, आप लोग निकल जाइए अपने अपने क्षेत्र में, जैसा अभी ब्रज बहादुर जी ने कहा, फोन
और ये सोशल मीडिया जिसका उपयोग कर सकते हैं उसका उपयोग करके जो इतिहास लिखने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी का, वो अंतिम पायदान तक उसमें भारतीय जनता पार्टी शामिल हो, यही अनुरोध करना है। धन्यवाद। देखिए गंगा तो आ गई, यहाँ पर घर घर गंगा जल पहुंचे, घर घर हर हर गंगे करके स्नान करो गंगा जल से, ऐसी व्यवस्था माननीय मंत्री जी ने की है। 264 करोड़ की योजना जो बिंदु पटना जोन के लिए, इससे पूर्व 200 करोड़ की योजना जो अलवतिया क्षेत्र के लिए पहले भी आ चुकी है। इस तरीके से लगभग पूरा नगर आच्छादित हो जाएगा जहाँ गंगा जल मिलेगा। जो थोड़ा बहुत रह जाएगा माननीय मंत्री जी और माननीय योगी जी दोनों मिलकर फिर हमारी आकांक्षाओं को और हमारी मांग को पूरा कर देंगे। इस तरह भारतीय जनता पार्टी अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति का ही काम करती है। पानी की आवश्यकता खाकपति से खरपति तक होती है, उसकी चिंता अब तक किसी ने नहीं की जब भारतीय जनता पार्टी का शासन आया था। और आज विप्र बंधुओं का सम्मेलन था, मीटिंग इसलिए था कि विप्र बंधुओं ने हमेशा समाज के हित में राष्ट्र के हित में काम किया है। आज जिस राष्ट्र के महायज्ञ को माननीय मोदी जी और योगी जी चला रहे हैं उसमें पूरे विप्र समाज अपनी आहुति दे, इसके लिए उनको आह्वान भी करना था और उनको जागरूक करना था।